यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे मैं कि आपको जरूरी था पैन कार्ड का नंबर, तो आपके पैन कार्ड का नंबर ये यहाँ पर आया। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है, आपका पैन कार्ड खो चुका है और आप चाहते हो अपने पैन कार्ड को रीप्रिंट करवाना, रीप्रिंट करवाना क्यों है मैं आपको वो भी बताऊंगा और कैसे होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी, जो कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि मान लिया जाए अगर हमारे पास पैन कार्ड का नंबर ही ना हो, हो सकता है भाई पैन कार्ड का नंबर ना हो, पैन कार्ड खो गया, तो अब हम कैसे भाई पैन कार्ड जब नंबर ही नहीं रहे तो डाउनलोड कैसे करेंगे या रीप्रिंट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको तरीका बताऊं जहां से आप अपने आप देख सकते हो कि भाई आपका पैन कार्ड का नंबर क्या है। पैन कार्ड का नंबर मिल जाए तो रीप्रिंट भी हो जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसा कि ये मेरे पास मेरा पैन कार्ड है जो कि 7-8 साल पहले का बना हुआ है, तो मेरे पास ओरिजिनल पैन कार्ड था वो खो गया, उसका डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास पड़ी है। इससे मैं काम तो चला लेता हूं, लेकिन जहां पर मेरे को फिजिकली सबमिट करना, चाहे बैंक में हुआ या फिर कहीं केवाईसी वगैरह करना हुआ, जब इनको दिखाता हूं तो सीधा कहते हैं भैया तो डुप्लीकेट है, ये तो नहीं चलेगा। तो वास्तव में नहीं चलता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मेरे पास तो पैन कार्ड था डुप्लीकेट, तो इसमें पैन कार्ड का नंबर दिया हुआ था, फिर मैंने दोबारा से अप्लाई कर दिया रीप्रिंट के लिए, मेरे पास ओरिजिनल पैन कार्ड दोबारा से रीप्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि मेरे पास सब कुछ था तो मैंने कर लिया, लेकिन आपकी समस्या ये हो सकती है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर ही नहीं है तो आप रीप्रिंट के लिए अप्लाई कहाँ से करोगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप रीप्रिंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो पैन कार्ड का नंबर आप कहाँ से कैसे कैसे ले सकते हैं। इसके दो तरीके, दोनों तरीके यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसके बाद बताऊंगा कि आप इसे रीप्रिंट कैसे करोगे जब आपका पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा तब। सिंपल सा आप अगर जाएंगे गूगल पे, जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर ई फिलिंग, जैसे सर्च करेंगे आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कुछ दिखाई देगा, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों देखेंगे आपको साइड मिलेगा यहाँ पे क्विक लिंक, इस पे आप देखेंगे हल्का सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे यहाँ पर नो 10 डिटेल्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे ही आपको क्लिक करना है। चलिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि आपको सिंपल से सबसे पहले यहाँ पर आना है, आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो किस कैटेगरी में आता है। वैसे तो आप सभी का इंडिविजुअल में ही आता है, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हैं, जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है, सिंपल से मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। और जब तक मैं अपना नाम इंटर करूंगा तब तक आप एक छोटा सा काम और भी कर सकते हो, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक मैं अपना यहाँ पर नाम इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है ना, आप ऐसा टेंशन मत लीजिएगा मोबाइल नंबर कौन सा डालना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कोई होगा उसको डालना है क्या, आपके पास जो करंट टाइम मोबाइल नंबर है आप उसको डाल सकते हैं, सिर्फ आपको उस पर एक ओटीपी रिसीव करना होगा। इसके जस्ट बाद आपको कंप्लीट फिलअप करने बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालना है और यहाँ बेल्टेड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों देखेंगे मैं अपना ही सर्च कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कन्फर्म हो पाए कि बिल्कुल राइट चीज यहाँ निकल कर आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं अपने नाम को भी देखूंगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना कि आपका यहाँ पे सिटी मैच कर रहा नहीं कर रहा, जो सिटी मैच करेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर मैं 50 पे क्लिक करता हूँ ताकि 50 पेज ऐसे खुलकर आ जाए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे जो यहाँ पे नाम दिखाया जा रहा है आपका पूरा पूरा जो नाम होगा उस नाम में देखेंगे स्टार्टिंग के और लास्ट के अक्षर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे आपकी सिटी दिखाई जा रही है। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अपना देखना चाहूँ तो मेरे लिए देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा रहेगा, लास्ट नेम है, मैं समझ गया ठीक है हाँ भाई नाम मैच कर रहा है, और यहाँ पे मेरे सिटी का नाम, जैसे मान लीजिए मैं फरीदाबाद से रहने वाला हूँ तो यहाँ फरीदाबाद शो कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा यार एक ही फरीदाबाद सिटी में और एक ही नाम से सैकड़ों लोग तो नहीं होंगे, गिनती के 2 से 4-6 लोग होंगे, मैं उन 2-4-6 लोगों का देख सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ फरीदाबाद लिखा हुआ रहा, तो चलिए मैं इस पर जैसे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद देखिए अब आपको क्या यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियरली आपके सामने आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे मैं कि आपको जरूरी था पैन कार्ड का नंबर, तो आपके पैन कार्ड का नंबर ये यहाँ पर आया, लेकिन इसको यार हाइड करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हाइड कर देना ना, सही नहीं रहेगा सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो है ना ये आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे दिखाई देने लग गया और आपका एड्रेस भी यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देने लग गया। तो ये नहीं कि आप इजीली जाके इस तरीके से अपने पैन कार्ड का नंबर सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर आपका एड्रेस और इसके बाद ईमेल आईडी और आपका पैन कार्ड का नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से जाकर के अपने पैन कार्ड का नंबर सर्च कर सकते हो। सो दोस्तों जो पहला प्रोसेस था मैंने वो बता दिया, आप सक्सेसफुली जाकर के अपना फिल्टर करके सर्च कर पाएंगे। इसके अलावा एक तरीका और भी होता, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका होता दोस्तों आपकी कॉल करके भी आप अपने पैन कार्ड का नंबर ले सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा भी देता हूं ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। जो कि होता है कि आप सिंपल से जाएंगे, आपको एक कॉल करना होता है, कॉल करने के लिए मैं आपको नंबर भी बता देता हूं।
जिसमें कि कॉलिंग नंबर होता है 1961, ठीक है, 1961 पे आपको कॉल करना है। कृपया आयकर विभाग के साथ सभी पत्राचार में अपना पैन अंकित करें। कृपया आयकर विभाग के साथ सभी पत्राचार में अपना पैन अंकित करें। हेलो मैडम, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैडम, मेरे पैन कार्ड का नंबर मेरे से मिसिंग हो चुका है, मेरा कार्ड भी नहीं है, मेरे को कार्ड रिप्रिंट करवाना है, तो मेरा कार्ड का नंबर कैसे मिलेगा पैन कार्ड का? निश्चिंत रहे, जानकारी दी जाएगी। क्या मैं आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर जान सकती हूँ? मैडम जी, मेरा नाम अमर सिंह है। कॉन्टैक्ट नंबर मैडम जी 95। यही आपने जिस नंबर से कॉल किया है यही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, राइट मिस्टर? हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, हाँ जी मैडम। डिटेल्स देने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, पैन होल्डर का नाम जान सकती हूँ स्पेलिंग के साथ? अमर सिंह, AMAR। हाँ जी अमर। डेट ऑफ बर्थ जान सकती हूँ? हाँ जी। अमर जी, पिताजी का नाम जान सकती हूँ? लाइन पे बने रहे, जानकारी दी जाएगी। ओके मैडम। सो दोस्तों, सिंपल सा आपको कॉल करना होगा जो कि 1961 पे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपको अपनी डिटेल बतानी है, जैसे आपका नाम बताना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, फादर का नेम बताना होगा, और अपना मोबाइल नंबर आप बता सकते हैं। मोबाइल नंबर आप रेंडम कोई भी दे सकते हो, जो आपने कॉल किया वही दे सकते हो, ऐसा नहीं होगा भाई कोई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरत होगी। और इजिली आपको वहां से बता दिया था, कई बार सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वो आपको बोले या थोड़ी देर आपको कॉल होल्ड भी रखना पड़ सकता है भाई, क्योंकि सर्च करके बताएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों तरीके से आप अपने जो पैन कार्ड का नंबर है उसे आप सर्च कर पाएंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर ले पाएंगे। इसके बाद आपको करना होगा रिप्रिंट। रिप्रिंट वाली वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या वो वाली वीडियो आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी, जाकर के आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा एक काम और करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर हमें एक वीडियो में ऐसे लगता है कि मुझे बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए, मान लीजिए हमारा जो सिग्नेचर होता है काफी पुराना हो गया होगा, हमें सिग्नेचर अपडेट करने की जरूरत हो, हमें अपना एड्रेस अपडेट करने की जरूरत हो, फोटो ससुरी पुरानी है होगी, नहीं अच्छी आई होगी, तो हमें फोटो भी अपडेट करनी हो, तो इस पर एक वीडियो बनाओ कि नहीं बनाओ? अगर कहते हो हाँ बनाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तब कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर भी बना देंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।